राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाने वाली रामपुर ग्राम पंचायत में आज हम हैं। राजस्थान में पूर्व में इसे सबसे बड़ी ग्राम पंचायत माना जाता था और यहाँ हम मंदिर प्रांगण में हैं और महाराज जी से आपसे रूबरू कराएंगे कि ये जो 540 वर्ष पूर्व लगभग गांव वाले और महाराज जी ने भी बताया कि ये मंदिर बना हुआ है जो कि 12 दरी के नाम से और अष्ट जो कमल की संरचना के आधार पर जो वास्तुशास्त्र का विशेष जो महत्व इस मंदिर को बनाने में किया गया है और कुछ पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं से भी इसे जोड़ा गया है। और एक विशेष चीज जो हमें यहाँ देखने को मिली मंदिर प्रांगण में कि यहाँ पंचमुखी शिवलिंग भी यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, गरुड़ महाराज जी का भी यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो चलिए हम महाराज जी से जानकारी लेंगे, साथ में हमारे साथ सरपंच महोदय भी यहाँ पर हमारे साथ में है जिनके साझा प्रयास से एक मॉडल के रूप में इस ग्राम पंचायत को विकसित किया जा रहा है। उनके इस तरह के सकारात्मक प्रयासों से एक जर्जर और जीर्ण छीण पड़ी जो बावड़ी थी उसका जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ जो हॉस्पिटल था उसका भी एक नाबार्ड के माध्यम से एक बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। इसी तरह की आदर्श सोच रखने वाले सरपंच साहब और साथ में ग्रामीण वासियों के एक साझा प्रयास से एक सकारात्मक बदलाव यहाँ रामपुर ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। हम मंदिर प्रांगण में हैं और आप लोगों को रूबरू कराते हैं महाराज जी से। मैं महाराज जी नमस्कार, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा महाराज जी की, जब अभी आपने बताया कि हाथी के ऊपर इस मूर्ति को लाया गया था तो ऐसी क्या बात रही कि वो मंदिर यहीं पे बना, ऐसी कोई धारणा रही थी क्या, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, इसमें जो मंदिर का निर्माण कराया रामदास जी ने, उनको स्वप्न में मूर्ति ने दर्शन दिया कि मुझे हाथी पे बैठा करके ले चलो, जहाँ मेरा हाथी बैठ जाए वहीं मेरी स्थापना करना। तो हमारे यहाँ रामपुर में आकर के और हाथी ने जो बैठते हैं उस हिसाब से हाथी ने अपनी वो आगे से जो पांव हैं उनको नीचा करके और बैठे और रामदास जी ने कहा कि भाई हाथी अपना बैठ गया और यहीं अब मंदिर का निर्माण कराएंगे और मूर्ति की स्थापना करेंगे। 16 साल में जा करके इस मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद उन्होंने इसकी स्थापना करी। बिल्कुल महाराज जी, कल्याण जी का पहला मंदिर है हमारे आसपास के क्षेत्र में, हम कितने सालों से देख रहे हैं। तो हमें रामपुर में इस मंदिर प्रांगण में आके देखा भी कि किस तरीके से अलग अलग 12 दरवाजे बने हुए हैं, किस भी तरफ से हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो दरवाजों की संख्या 12 ही बनी हुई है। विशेषकर गाँव के लोगों की जो धार्मिक आस्था है वो किस प्रकार जुड़ी हुई है वो भी हम जानना चाहेंगे कि लोगों का जो मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे नव विवाहित जो वधू है जो शादी के बाद यहाँ आती है, तो भी लोगों से जानकारी में आया कि वो भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो लोगों की क्या आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस मंदिर की प्रति जो आस्था है समस्त जातियों को लेकर के, और जब भी कोई हमारे गांव में जिस प्रकार से कोई शादी होती है तो सबसे पहले दूल्हा इस मंदिर में आकर के ही बारात लेकर के जाता है और आज तक 540-50 साल तक ये मान्यता है कि जो भी बारात इस मंदिर से दो प्रणाम करके शादी करने के लिए गई है उस बारात के साथ में आज तक किसी भी प्रकार का कोई अभिघ्न कार्य नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और इतनी बड़ी आस्था हमारे यहाँ गांव में सभी जातियों के लोगों के प्रति, सभी जातियों के लोग जो हैं मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं और यहीं से दो प्रणाम करके अपना जो भी मांगलिक कार्य है वो शुरू करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और हम बाकी लोगों से भी यही आग्रह करेंगे कि आप जब कभी बांसूर या फिर सरिस्का के आसपास का जो क्षेत्र जो बांसूर में लगता है, यहाँ नाथूसर लॉज पानी ढाल इस तरफ के एरिया में आप अगर भ्रमण के लिए आते हैं तो आप कल्याण जी के मंदिर को जरूर देखें। यहाँ विशेषकर आपको गरुड़ महाराज जी की मूर्ति मिलेगी यहाँ कल्याण जी की, और विशेषकर जो चीज यहाँ पर हमने देखी पंचमुखी शिवलिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मंदिर में आने के बाद यहाँ की जो संरचना है वास्तु के आधार पर इतनी श्रेष्ठ तरीके की एक निर्माण की चीजें यहाँ पर बनी हुई है, आप रामपुर को जरूर दर्शनीय स्थलों के रूप में देखने के लिए आए। प्राचीन बावड़ी जिसको एक जीर्णोद्धार करके सरपंच साहब के प्रयासों से, ग्रामीण लोगों के साझे प्रयास से एक मतलब कि हॉर्टिकल या कहीं टूरिस्ट प्लेस के रूप में बदला जा रहा है।
अब की बार देखा कि वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो बदलाव यहाँ देखा कि बरसात का पानी उसमें पूरा का पूरा भरने के बाद आसपास के कुओं में भी जल स्तर है वो अप आया है, ऊपर की ओर बढ़ा है। तो क्यों ना हम इस तरीके से आओ प्रकृति के साथ जुड़ें, हमारे प्राचीन जो हमारी संस्कृतियां हैं उनसे जुड़ें, आओ लौट चले गांवों की ओर, प्रकृति की ओर। गांवन स्टूडियो का हमेशा से प्रयास रहा है कि ऐसे गांव जो जहां पर इस तरह की दर्शनीय स्थल है, ऐसे एक प्राचीन जो मंदिर, वहां यहां की संस्कृतियां, यहां के आर्टिजन्स जिनके हाथों में हुनर है, उस चीजों को हम अपने स्टूडियो के माध्यम से लोगों तक लाने का प्रयास करते हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे जरूर लाइक करें, साथ में कभी घूमने के लिए आप अगर प्रकृति को जानना चाहें तो आप रामपुर जरूर आएं और यहाँ प्रकृति को बिल्कुल करीब से देखें। यहाँ के लोगों की आस्था, मंदिर, यहाँ के प्राचीन जो बावड़ियाँ, यहाँ की संस्कृतियाँ, किले, उन सब चीज़ों को आप जरूर देख के जाएं। साथ में जंगल सफारी जैसा भ्रमण का पार्ट भी सरिस्का यहाँ पर आरंभ करने वाला है भविष्य में, वो भी एक तरीके से रामपुर के लोगों के लिए एक रोजगार का और एक बाहर के लोगों का एक भ्रमण का एक दर्शनीय स्थल बनने की संभावना है। धन्यवाद महाराज जी, और विशेषकर सरपंच साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराया। धन्यवाद। श्री कल्याण जी का मंदिर स्थान रामपुर चौहानों का, इसका निर्माण रामदास जी द्वारा लगभग 540-50 साल पहले कराया गया। इस मंदिर की विशेषता ये थी कि जो मूर्ति कल्याण जी महाराज की है वो रामदास जी ने हाथी पर सवार करके और यहाँ रामपुर तक पहुँचे। यहाँ उनका हाथी बैठा, हाथी बैठने के बाद में यही मूर्ति की स्थापना की और मंदिर का निर्माण कराया। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर की जो रचना है वो बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर को बारादरी का मंदिर बोलते हैं, जिसमें अष्टकमल की रचना है। और भी वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे मंदिर हमारे यहाँ राजस्थान में देखने के लिए बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और पूरे गांव की हमारे मंदिर की मान्यता है। जो भी कोई हमारे गांव में किसी भी तरह का धार्मिक प्रोग्राम होता है या मांगलिक प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले इस मंदिर का नाम लेकर के और उसकी शुरुआत करते हैं और प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जाति का परिवार इस मंदिर की मान्यता को लेकर के आज तक मंदिर के प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखता है और अच्छे भाव से मंदिर को मानते हैं। आपने देखा कि मंदिर प्रांगण में किस प्रकार प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं, और हमने देखा कि बांसूर के बिल्कुल रामपुर ग्राम पंचायत में स्थित ये जो मंदिर है इसका प्राचीन जो इतिहास था उसको हमने बिल्कुल करीब से जाना। तो आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि रामपुर अगर आपका आगमन हो तो इस मंदिर को जरूर आप देखने के लिए आए। गांववाणी स्टूडियो का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमारे आसपास इर्द गिर्द ऐसे दर्शनीय स्थल जो हमारी संस्कृति से, हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, हमारी आंखों के आसपास हैं लेकिन ओझल हैं, उन्हें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक इस गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर के माध्यम से हम साझा करते हैं। अगले रविवार फिर मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार की एक नई रोचक कहानी को साथ में लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों को विदा चाहेंगे और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम गांववाणी है और आप लोग इसी प्रकार के नए अपडेट्स लगातार प्राप्त करते रहें। जय हिंद, जय भारत।